सभी के जीवन में एक समय ऐसा आता है जब सभी चीज़ें आपके विरोधी हो रही हैं और हर तरफ से निराशा मिल रही है, चाहे आप एक प्रोग्राम हो या कुछ और। आप जीवन के उस मोड़ पर खड़े होते हैं जहां सब कुछ गलत हो रहा होता है। अब चाहे ये कोई सॉफ्टवेयर हो सकता है जिसे सभी ने रिजेक्ट कर दिया हो, या आपका कोई फैसला हो सकता है जो बहुत ही भयानक साबित हुआ हो। दोस्तों, लेकिन सही मायने में विफलता सफलता से ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। हमारे इतिहास में जितने भी बिजनेसमैन, साइंटिस्ट और महापुरुष हुए हैं, वे जीवन में सफल बनने से पहले लगातार कई बार फेल हुए हैं, यह आपको पता ही होगा। आपको उदाहरण देता हूँ, जैसे कि जब हम बहुत सारे काम कर रहे हो तो ये ज़रूरी नहीं कि सब कुछ सही ही होगा, लेकिन अगर आप इस वजह से प्रयास करना छोड़ देंगे तो कभी सफल नहीं हो सकते। दोस्तों, हेनरी फोर्ड जो बिलियनियर और विश्व प्रसिद्ध मोटर फोर्ड कंपनी के मालिक हैं, सफल बनने से पहले फोर्ड 5 बार अन्य बिजनेस में फेल हुए थे। दोस्तों, कोई और होता तो 5 बार अलग अलग बिजनेस में फेल होने और कर्ज में डूबने के कारण टूट जाता, लेकिन फोर्ड ने ऐसा नहीं किया और वो आज एक बिलियनियर कंपनी के मालिक हैं। दोस्तों, ज़िंदगी में कभी हार नहीं माननी चाहिए। अगर विफलता की बात करें तो थॉमस अल्वा एडिसन का नाम सबसे पहले आता है। लाइट बल्ब बनाने से पहले लगभग 1000 विफल प्रयोग किए थे उन्होंने। अल्बर्ट आइंस्टीन जो 4 साल की उम्र तक कुछ बोल नहीं पाता था और 7 साल की उम्र तक निरक्षर था, लोग उसको दिमागी रूप से कमज़ोर मानते थे, लेकिन उसके थ्योरी और सिद्धांतों के बल पर वो दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट। अब जरा सोचो कि अगर हेनरी फोर्ड 5 बिजनेस में फेल होने के बाद निराश होकर बैठ जाता या एडिशन 999 असफल प्रयोग के बाद उम्मीद छोड़ देता और आइंस्टीन भी खुद को दिमागी कमज़ोर मान के बैठ जाता तो क्या होता। दोस्तों, हम बहुत सारी महान प्रतिभाओं और आविष्कारों से अनजान रह जाते हैं, इसलिए ज़िंदगी में कभी हार नहीं मानना चाहिए। तुम्हें तो असफलता सफलता से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है। असफलता ही इंसान को सफलता का मार्ग दिखाती है। अंत में मैं यही बोलना चाहूँगा कि विनर नेवर क्विट्स एंड क्विटर नेवर विंस। इसका मतलब यह होता है कि जीतने वाले कभी हार नहीं मानते और हार मानने वाले कभी जीत नहीं सकते। थैंक यू।